हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है इस जिले के लिए। हम सारे अपने पुलिस के काम में व्यस्त रहते हैं, पर एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद सोसाइटी। पुलिस पब्लिक जो एक इनिशिएटिव है, एक पार्टनरशिप है, उसके दो जैसा कि आपने सुना ज्वलंत, आशीष बोलता है ज्वलंत उदाहरण है। तो ये दो आज आपने देखे कि हम लोग कैसे यू नो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग करते हैं। कि पहला आपने देखा कि वो NIT फाउंडेशन और इंडस टावर के जो CSR का जो और पुलिस का जो तीनों का साथ में मिलके जो एक कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम है, साइबर सिक्योरिटी और MS ऑफिस का जो सर्टिफिकेशन था, वो कितने सारे नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर हमारे जो अलग अलग रैंक के बट कॉमन सिटीजन्स आल्सो स्पेशली लेडीज़ का एक अलग पैच था। और उसका जो पार्ट टू था ये अभी आपके सामने है कि नगर के वेलनेस सेंटर है हमारा, यहाँ पे टॉप फ्लोर पे हमने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अगर आपने देखा बच्चे बैठे हैं, ऑलमोस्ट तैयार है, थोड़ा सा काम बचा है। इसमें टॉप फ्लोर है, थोड़ा गर्म है, तो इसमें एयर कंडीशनिंग का जुगाड़ हम लोगों ने करना है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि ज़िले में और भी हों। और थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको क्यों करते हैं। इससे पहले सीलमपुर में एक पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी था, तो उसका उद्घाटन भी फॉर्चुनेटली मेरे ही हाथों से हुआ। हालांकि मेरे से पहले संजय सिंह साहब थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और वहाँ कुछ बच्चों ने पढ़ के नीट क्लियर किया और प्रीलिम्स क्लियर किया UPSC का। तो हमारे ही बच्चे हैं और दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज एक ज़माना था जब पुलिस स्टेशन में लोगों को आने में डर लगता था। तो बट जो ये अब नए बच्चे हमारे साथ हमारे पुलिस स्टेशन के यू नो आंगन में आके पढ़ेंगे, तो व्हेन दे ग्रो अप दे विल बी आर एम्बेसडर्स टू द सोसाइटी। तो भाई पुलिस स्टेशन एक अच्छी जगह है। सर, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अब तक कितने बच्चों को सर्टिफिकेट किया जा चुका है, क्या कुछ? देखिए, आज ही हमने जो सर्टिफिकेट दिए हैं, अबाउट 40 सर्टिफिकेट्स आज। और अभी G20 की वजह से थोड़ा सा वी आर अ लिटिल शॉर्ट ऑन स्टाफ, पर G20 के बाद आई विल मेक श्योर सारे मेरे SHOs के पास कि जिनके पास कुछ ऐसे जो जैसे कि बताया जो सिपाही भर्ती हुए और अभी SI हो गए हैं, और उनको बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज नाउडेज, तो उनको हम लोगों ने जो उनका हिचक है वो हटाना है और बहुत ज़रूरी है। और जैसा जो NCP क्राइम ने भी बोला कि ब्रॉड शिक्षा की बात कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन के बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, साइबर रिलेटेड जो क्राइम है, तो इस तरह के जो कोर्सेज होंगे आई एम श्योर उससे वो नीचे आएंगे। सर, इसके अलावा सवाल ये है, जो लाइब्रेरी आप लोगों ने लॉन्च की है, पहले सीलमपुर में भी की थी, तो इस लाइब्रेरी में कौन कौन बच्चे के आम लोग भी आ सकते हैं? एनीबॉडी कैन कम एंड स्टडी। और बुक्स कौन कौन से सर? क्या अब बुक्स हम लोग सब तरह के बुक्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट द चिल्ड्रन वांट, वी स्टार्ट विद कोर्स बुक्स और उसके बाद जो प्रिपरेटरी एग्जाम्स के होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या UPSC या NEET या फिर JEE, तो उन सब किताबें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आई विल मेक श्योर दैट दोज बुक्स आर हियर। थैंक यू सो मच। नहीं कर पाऊंगी तो चूंकि मैं मेरा पुलिस स्टेशन जस्ट नेक्स्ट हॉल है, तो मैं कभी फ्री होता हूँ तो वैसे भी टहलने के लिए या वैसे देखने के लिए मैं आ जाता हूँ। इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और हम लोग थोड़ा चौकआउट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे हमारे एम्प्लॉई हैं, खास करके जो एजेड हो गए, जो कॉन्स्टेबल से ASI बन गए हैं और सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो हमारे बहुत सारे नीड्स हैं जो आजकल डिजिटलाइज हो गया है। जैसे किसी का मिसिंग दर्ज होता है तो उसे हमें अपलोड करना पड़ता है इमीजिएटली उनके फोटोग्राफ्स वगैरह, तो वो बेचारे दूसरे कॉन्स्टेबल से या जो टैक्स हैवी हैं उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर मेरा ये अपलोड कर दो, फलाना कर दो। तो मैंने करण से बोला था आप हमें 1 घंटे का एक बैच दे दो, मैंने DCP साहब से अपने सीनियर से बात करके आपको कॉन्स्टेबल वगैरह जो भी है कॉन्स्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है इंटरेस्टेड है मैं उनको दूंगा, एटलीस्ट दे कैन अपलोड इन द नेट और डिजिटल सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे CCTNS है, क्राइम क्रिमिनल जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर सकते हैं बहुत सारे से। तो ही अग्री टू डिट, आई एम रियली थैंकफुल टू इंडस एंड NIT फाउंडेशन एंड एज वेल एज मैं दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसरों को जिन्होंने अलाउ किया हमारे बच्चों के लिए। आई होप दिस विल कंटिन्यू और मैं कभी कभी करेक्ट करता हूँ, कभी हमारे लेवल को भी सिखा दिया करो जो हमने सिखाता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि हमारे लेवल के लिए भी कुछ नए सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ हो तो हमें बताया जाए। थैंक यू वेरी मच सर।
person or NIIT foundation, what you have started, I think this is a very unique approach. And although मैंने आज ही देखा है, but whatever I've heard from Manoj ji, I think you are doing wonders, and I hope that you will do further more. And from Northeast district side, like DCB sir has said, we will hope that we will have more batches, and it will get to our police personnel as well as the public of the district. Thank you. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगी एंड आई एम श्योर ही विल एग्री विद मी। मैं आपसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ साथ एक इसमें गुजारिश भी करूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल लिटरेसी में आपको ओल्डर पर्सन को टारगेट करने की जरूरत है कि सबसे ज़्यादा वो साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम के शिकार इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि डिजिटली अपने आप को कैसे नेगोशिएट करें। तो एल्डरलीज को टारगेट करके उनको डिजिटली उनको अवेयर कराना इस समय सोसाइटी की बहुत बड़ी नीड है। और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे कलीग्स हैं नॉर्थ ईस्ट में वो एग्री करेंगे कि साइबर क्राइम के जो टारगेट्स हैं आजकल बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में सीनियर सिटीजन जिनको डिजिटल इग्नोरेंस की वजह से वो शिकार बन जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर ओन फाइनेंशियल अफेयर तो वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। उनकी रिकवरी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज माई दिस थिंग। मैंने आपका वैन आते ही सबसे पहले देखा एंड आई एम प्रेजेंटली सरप्राइज कि जिस जो आपने वैन बनाया था आई विल से इट इज इंटरनेशनल क्लास एंड वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एक वैन का आप इंतजाम करेंगे बिकॉज ये वैन हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल है इन मैनी वेज। अगर जितने लोग लिटरेट होंगे जितना अवेयरनेस बढ़ेगी उतना प्रेशर हमारे पे कम आएगा। Thank you once again for inviting me and congratulations.